हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर डीपी शर्मा। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स जो ACL सर्जरी के पहले आपको जानने चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है किनको ज़रूरत है ये सर्जरी की। वो लोग जिनको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL घुटने का लिगामेंट टूट गया है और काम भी नहीं कर पा रहा है, या फिर 50% ही टूटा है और काम नहीं कर पा रहा, क्लिनिकली जिनको इंस्टेबिलिटी लगती है, जिनको घुटना इधर उधर कंट्रोल में नहीं रहता, इधर उधर भागता है, स्टेयर्स चढ़ने उतरने में तकलीफ है, या फिर अनइवन या फिर ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड पर चलने में तकलीफ है। दूसरा पॉइंट, कब करानी चाहिए ACL की सर्जरी। ACL की सर्जरी इमिडिएटली आपके ट्रॉमा या फिर चोट लगने के बाद बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इस समय घुटना वार्म स्टेट में होता है, मतलब कि इन्फेक्शन के चांसेस और स्टिफनेस के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। जब आपकी स्वेलिंग कम हो जाए और आप ऑपरेशन के पहले थोड़ी एक्सरसाइजेस कर पाएँ, क्योंकि वो आपके रिहैबिलिटेशन यानी कि वापस काम पे जाने की में मदद करेंगी और आप जल्दी ही काम पे जा पाएंगे और आपको स्वेलिंग, स्टिफनेस और इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ये यूजुअली टाइम होता है आपके एक हफ्ते के बाद चोट लगने के और अराउंड 1 मंथ के अंदर। दूसरी पॉइंट ये है कि एक्सेसिवली डिले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जॉइंट आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही होती नी जॉइंट पे। तीसरा पॉइंट, क्या लिगामेंट्स या फिर क्या इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, क्या स्क्रूज होते हैं, क्या तकनीक से यूज़ किया जाता है। तो इसमें मेन चीज़ होती है आपके लिगामेंट को रिप्लेस करना। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टेंडन से रिप्लेस कर सकते हैं, जो हैमस्ट्रिंग होती है, क्वाड्रिसेप्स के टेंडन से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम एलोग्राफ्ट, मतलब किसी और की बॉडी का प्रिजर्व करा हुआ टेंडन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसको हम अंदर अटैच कैसे करेंगे। तो इसमें हम स्क्रूज की मदद लेते हैं और एंडो बटन की मदद लेते हैं, फाइबर वायर्स की मदद भी ले सकते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि स्क्रूज किस तरह के हो सकते हैं। ये टाइटेनियम के मेटल के स्क्रूज हो सकते हैं, या फिर बायोकॉम्पैटिबल या फिर बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रूज हो सकते हैं, जो अंदर ही गल जाते हैं बॉडी के। तीसरा पॉइंट आता है इसमें रिहैबिलिटेशन। ऑपरेशन के बाद कितना टाइम रिकवरी का लगता है, या फिर कैसे कैसे रिकवरी होती है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के तुरंत बाद, मतलब जैसे ही आपके बेहोशी का असर ख़त्म होता है, वैसे ही आप चलने लग जाते हैं। खुद से ही आप दिनचर्या के अपने काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक महीने बाद आप एग्रेसिव एक्सरसाइजेस आपकी चालू करा दी जाती हैं, अगर आपकी रिकवरी ठीक रहती है तो। और बाय द टाइम ऑफ 6 मंथ्स आप कंप्लीटली आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे रिज्यूम करने लगते हैं। और चौथा पॉइंट ये आता है कि इसके सक्सेस रेट्स क्या हैं। तो ये सर्जरी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी गई है, क्योंकि इसका सक्सेस का रीज़न है आपकी बॉडी का खुद का लिगामेंट, जिसको बॉडी रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करती। वो उसको ड्रिल बना के वहीं पे लगा दिया जाता है, अपनी दूसरी जगह से लेके घुटने के बीच में ACL की जगह, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जगह स्क्रूज और बटन से फिक्स कर दिया जाता है, और वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, इसलिए इसके सक्सेस रीजंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि ये सर्जरी की कॉस्ट कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट इसकी डिपेंड करती है कि आप किस क्वालिटी का और किस कंपनी का स्क्रू और एंडो बटन यूज़ कर रहे हैं, आपकी लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे कितना है, और आप किस तरीके का हॉस्पिटल, मतलब कि किस तरीके का कि फैसिलिटी लेवल वो हॉस्पिटल का कैसा है। ये सर्जरी की कॉस्ट मिनिमम 35,000 से लेके, और अच्छे इम्प्लांट्स या फिर बेटर हॉस्पिटल केयर या फिर लेंथ ऑफ स्टे से बढ़ती जा सकती है। थैंक यू।